नमस्कार, मैं महिमा आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर डॉट कॉम के इस प्राइम वीडियो में। इस वक्त हम रांची के रातू रोड में स्थित नागावा खटाल के वेजिटेबल मार्केट में आए हुए हैं। यहां पे हम यहां के दुकानदारों और ग्राहकों से जानेंगे कि जो पहले बरसात में रोड में सब्जी बेचने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी, यहाँ पर उन्हें दुकान मिलने के बाद क्या बदलाव आया और वे कितने खुश हैं। पहले हम लोग वहाँ बेचते थे रोड में, उसके बाद हम लोग को यहाँ मिला था। यहाँ मिला हम लोग को मिला 3 फीट मिला है। 3 फीट में नीचे नहीं लगाना है, सिर्फ खाली ऊपर रखना है, माल भी नहीं रखने की हम लोग बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बहुत से आराम हुआ है कुछ रोड से आराम कुछ हुआ है, लेकिन उतना भी आराम नहीं हुआ है। माल रखने में दिक्कत हो रहा है, बेचने में दिक्कत हो रहा है, सामान रखने में दिक्कत हो रहा है, बहुत कठिनाई हो रहा है। ग्राहक कैसे आते हैं वहाँ से, ज़्यादा कि कम? काम है, काम है वहाँ से, काम है रोड में ज़्यादा ग्राहक आता लग रहा है। सब्जी दुकान है, जिसको मिला है वो भी जा रहा है रोड में बेचने, जिसको मिला है वो भी जा रहा है। इसलिए क्या चाहेंगे कि यहाँ से रोड में उठ के जाना चाहते हैं? रोड है, सबको दुकान मिलना चाहिए, रोड को क्लियर कर देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। ज़्यादा नहीं हो रहा, बाहर जो बेच रहा है ना उससे कम सेल होता है, बाहर नहीं बिकता, उठाता जा तो अंदर ठीक बिकता है, अभी बिक्री उतना नहीं है। रोज यहाँ घट ही जा रहा है, डेली घट ही जा रहा है सब्जी। हाँ अच्छा, घाटा हो रहा है? हाँ घाटा हो रहा है। रोड में ज़्यादा अच्छा था? हम लोग का रोड अच्छा था, सबसे अच्छा रोड वाला। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? यहाँ 3 फीट का जगह है, हाँ यहाँ बिकिए नहीं रहा, 3 फीट में एगो सब्जी बनता है। कस्टमर वहाँ से ज़्यादा आ रहे, कम आ रहे? कम आ रहा है, हाँ कम आ रहा है। तो फिर यहाँ से रोड में शिफ्ट होना चाहिएगा? हाँ, सबको हम लोग रोड में जाएंगे, यहाँ से रोड में। हाँ रोडे में जाएंगे, हम लोग को रोडे में फायदा है। तो पहले तो कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पे भी जगह नहीं मिला था, उसके लिए भी लड़ाई कर रहे थे। तो ये पूरा दुकान का लड़ाई कर रहे थे, तो आधा दुकान मिला है तो जाबे नहीं करेगा, हम लोग का सामान ही नहीं बन रहा। एक आइटम बेचेंगे तो बाल बच्चा पोस लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे। हम लोग के 6 फीट चाहिए। यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है दीदी, लेकिन सब्जी नहीं बिक रहा जैसा बिकता था नीचे वैसा, मतलब रोड में ज़्यादा बिकता था। हाँ रोड में तो ज़्यादा बिकता था सब्जी, बर्बाद नहीं होता था सब्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। पर रोड में तो बरसात में भी प्रॉब्लम होता होगा, बारिश में भीग जाते होंगे? भीग जाते थे, लेकिन क्या करिए, वहाँ का थोड़ा सब्जी अच्छा बिकता था। उसको ना देखिएगा, भींगेगा तो कुछ भी हो ये, लेकिन उसको नहीं ना देखिएगा। लेकिन सुविधा ठीक है, यहाँ का भी सुविधा ठीक है, मतलब बस यहाँ पर सब्जी कम बिकता है वो प्रॉब्लम है। और जगह का कैसा है? जगह भी छोटा छोटा दिया है, जैसा सब्जी मंडी का हिसाब है उस हिसाब से जगह देता ना, बड़ा बड़ा थोड़ा सा सब्जी भी आदमी अच्छा से बेचता है। 2 आइटम अच्छे से नहीं बेचने सके तो कैसे आदमी जिएगा खाएगा? अच्छा है, बरसात से बचत है और ठीक ही बिकता है। अच्छा हो रहा है? हाँ हाँ, प्रॉब्लम हुआ दादा बाहर में, ठीक है, बहुत अच्छा है। यही है कि कोरोना काल में डबल डोज दे दिया सरकार यहाँ पे, डबल दुकान हो गया यहाँ पे, एक में 2 हो गया। यहाँ पे फायदा लग रहा है? ठीक है, जो ऐसे जिंदगी गुजर रहा है जैसे भी। बाहर में तो काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा, धूप बरसात प्रॉब्लम होता था, बाहर से तो अच्छा है यहाँ पर। 13 रुपये भिंडी लाए हैं, 12 रुपये बेच रहे हैं। इतना बरसात में काफ़ी पहले प्रॉब्लम होता होगा, बारिश बरसात में तो होता है सब बहुत महंगा, सब कहता अच्छा रहता है कमाई। नहीं बारिश में जैसे पहले रोड में बेचते थे तो उसमें भीग जाते होंगे, धूप पानी थे। हाँ बहुत भीगते थे, अब ठीक है, कादो कचड़ गिरबो करते थे, अभी तो ठीक है, अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बारिश से भी बच रहे हैं? हाँ बारिश से बच रहे हैं, सब चीज़ का सुविधा है। फायदा क्या हो रहा है, यहाँ ग्राहक नहीं आ रहा है तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा हो रहा है, कहाँ ऐसे नहीं होगा, साफ सुथरा कैसे फायदा नहीं होगा? आने से हम लोग को बारिश से थोड़ा सा निजात मिल गया है। जगह सबके लिए ठीक है, कस्टमर आते हैं? कस्टमर आता है। यहाँ पे जो आप लोग रेंट पे ही लिए होंगे ना, तो कितना टैक्स देते हैं नगर निगम? अभी टैक्स निर्धारित नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं। तो ये फ्री में ही मिला दुकान? फ्री में ही मिला है, लेकिन अभी अभी सबका जांच चल रहा है, जिसका दुकान अभी मतलब कि निगम से मतलब कि अथी नहीं हुआ है कि आपको रेंट अभी लगेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, पानी से आदमी बच गया, पार्किंग का भी जगह है,
हमेशा यहीं पे सब्जी ले रहे जब से मार्केट बना है? हाँ, यहीं से। एक ही जगह सारा सब्जी मिल रहा है, तो सब्जी मार्केट के बनने के बाद कितना फायदा हो रहा है, यहीं पे हमेशा लेते हैं? फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, पहले से तो कुछ आराम है। तो यहीं पे हमेशा सब्जी लेते हैं आप? नहीं, मैंने और थोड़ा थोड़ा, मतलब यहाँ पे सारा सब्जी मिल जाता है। तो क्या क्या बदलाव हुआ? बदलाव क्या होगा, भाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। सब्जी का रेट यहाँ पे क्या है, मतलब सही है कि नहीं? सब्जी का रेट ठीक ही है, अच्छा रेट में भी मिलता है। सब कुछ यहीं पे लेते हैं? हाँ, सब कुछ यहीं ले लेते हैं, एक जगह मिलता है, हम लोग भी सुविधा हो जाता है खरीदने में। पहले तो रोड में जितना गंदगी था, सब्जी के साथ हम लोग गंदगी का भी सामना करते हैं। यहाँ तो एक भी गंदगी नहीं है, यहाँ बहुत साफ सुथरी है। यहाँ पहले रोड में गंदगी के साथ हम लोग लेते थे सब्जी, अभी यह कि कोई गंदगी नहीं है, हर एक जगह सब मिल जाता है, फल फ्रूट सब। यहाँ कुछ और ही बात है, रोड में तो समय का भी बहुत बचत है, आना है ट्रक लेके चला जाना है। ये बहुत ही अच्छे मार्केट है। और रेट कैसा रहता है? रेट बहुत जेन्युइन, 10-20 रुपये कोई ज़्यादा हो या ऊपर कम नहीं है, 20 रुपये के जी, 25 रुपये के जी, हर चीज़ मिल जा रहा है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।